केंद्र की मोदी सरकार ने कई अहम निर्णय लिए। ये फैसले मुल्क की आर्थिक मंदी भले ही ना खत्म कर पाए, पर आपके घर की मंदी को जरूर खत्म कर देंगे। केंद्रीय कैबिनेट ने कुछ ऐसे निर्णय लिए हैं कि जो कि केंद्रीय कर्मचारियों को दिवाली से पहले ही सेलिब्रेशन का मौका देंगे। तो आइए जानते हैं क्या कुछ निर्णय लिए गए हैं कैबिनेट की बैठक में और इसका आप पर क्या असर होने वाला है, हमारी इस खास रिपोर्ट में। दिवाली से पहले मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। केंद्र सरकार की कैबिनेट ने केंद्रीय कर्मचारियों के 5% दैनिक भत्ता बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके बाद सरकारी कर्मचारियों की महंगाई भत्ता 12% से बढ़कर 17% हो गया है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिली। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि बढ़े हुए भत्ते की रकम जुलाई 2019 से दी जाएगी। सरकार के इस फैसले का फायदा 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और करीब 65 लाख पेंशनर्स को मिलने की उम्मीद है। वहीं इस फैसले की वजह से सरकारी खजाने पर 16,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ बढ़ सकता है। बीते एक साल में ये दूसरी बार है जब महंगाई भत्ते में इजाफा हुआ है। मोदी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल के आखिरी महीनों में कर्मचारियों और पेंशन धारकों को मिलने वाला महंगाई भत्ता 12% कर दिया था। पहले महंगाई भत्ता 9% मिलता था। तब सरकार ने बताया था कि इस फैसले से देश के खजाने पर 9,168.12 करोड़ रुपए अतिरिक्त भार पड़ेगा। दूसरी ओर आशा कार्यकर्ताओं के वेतन को 1,000 रुपए से बढ़ाकर 2,000 रुपए कर दिया गया है। फिलहाल केंद्र ने तो केंद्रीय कर्मचारियों को दिवाली गिफ्ट दे दिया है। अब देखना अहम होगा कि ये फैसले क्रियान्वयन में कब आते हैं। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी इंडिया।